हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्यूटी टिप्स चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको एक ऐसी रेमेडी जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने हाथों पैरों को आसानी से गोरा कर सकती हैं। इसके लिए आपको लेमन का जूस लेना है, तो 1 से 1.5 चम्मच आप नींबू का रस ले लीजिए। और नींबू क्या करता है, हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से निखारता है। स्किन में जमी हुई मैल को, बरसों पुरानी मैल को काट देता है नींबू का रस। उसके बाद में आपको 1 चम्मच इसमें शहद लेना है। शहद भी हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, वह हमारे स्किन को साफ़ करता है। उसके बाद आपको 1 शैम्पू लेना है। शैम्पू का पाउच आप कोई सा भी ले सकते हैं, चिक, क्लिनिक प्लस, डव, वाटिका, कोई सा भी ले सकती हैं। तो आपको उसमें आधा शैम्पू डालना है और इन तीनों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में ये पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। इसको लगाना कैसे है, आइए देखते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हमने इसको बना लिया है। इसको आपको अप्लाई करना है अपने हाथों पैरों पर। अच्छी तरह से लगा लीजिए। लगा कर के 5 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आप जो है सादे पानी से अपने हाथों पैरों को धो लीजिए। आप देखेंगे कि एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा आपके हाथों पैरों का कालापन हट चुका है। इसका हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए आपके हाथ पैर गोरे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।